आज सुबह टाइम देशवासियों से महत्वपूर्ण अपील करता है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चों को कोई भी बाहरी व्यक्ति से दूर रखें। कोई बाहर से घर में रिश्तेदार या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति आया है तो आप उसे बचा कर रखें, उसे लाड़ प्यार में ना छोड़ें और बच्चों को छूने ना दें, क्योंकि इस कोरोना महामारी में अपने आप को बचना है और परिवार के छोटे बड़ों का भी ख्याल करना है। आइए सभी लोग कोरोना से सावधान हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जब कोई महत्वपूर्ण महान व्यक्ति इस देश की सेवा करते करते इस धरती पर नहीं रहता है तो भारी दुख होता है। हम सब महान व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज बड़े दुख की बात आपको कहना चाहता हूं कि भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी अपने देश के गौरवशाली व्यक्ति थे। 23 मई 2021 को अब हम सबके बीच में नहीं रहे। वह उनकी खास उपलब्धियां रहा मैं आपको बताना चाहता हूं। परमाणु ऊर्जा और धातु विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले वैज्ञानिक को आज सुबह टाइम्स सलूट अभिनंदन करती है। महत्वपूर्ण योगदान इस देश को दिए हैं डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी के निधन पर भारतवासियों को काफ़ी धक्का लगा है। अत्यंत दुखी है, महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भारत को गौरव के साथ साथ उनको कई भारत सरकार ने सम्मानों से अलंकित भी किया था। पद्मश्री शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, राष्ट्रीय धातु पुरस्कार आदि से नवाजा भी गया था। भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ राष्ट्रीय, आपको बता दूं कि हमारे बड़े ही दुख के साथ श्रद्धांजलि देने को आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब लोग को मालूम होगा कि हमारे बीच से हमारे देश के जाने माने डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, जो पद्मश्री से अलंकित थे, उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार से भी उनको अलंकित किया गया था। वो हमारे बीच से 23 मई 2021 को प्रस्थान कर गए हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही जो है श्रद्धांजलि करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, आपको मालूम होगा कि उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जी में बीटेक किया था और उन्होंने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड भी प्राप्त किया था। वो हमारे देश के चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया कमिश्नर के तौर पे काम उन्होंने किया था। एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर ऑफ इंडिया का पूरा कारभार उन्होंने देखा और उसको देश में किस तरह से आगे बढ़ाया, इस कार्य को। वास्तव में उनकी ये उपलब्धि भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर बनर्जी बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के थे, डाउन टू अर्थ। उनका रहन सहन, बोल चाल, सोच विचार, इस तरह के व्यक्तित्व के धनी वो हमारे 20 से 23 मई 2021 को चले गए। हमारे मेटलर्जिस्ट एरिया को, हमारी एटॉमिक एनर्जी एरिया को, हमारे और भी डिपार्टमेंट जिनको वो अपना सहयोग तकनीकी रूप से देते रहते थे, अब वो जो कमी है
वो हम लोगों को फल रही है। इस पूर्ति के लिए अब मुश्किल है कि कोई इस तरह का हमें व्यक्ति मिले, इस व्यक्तित्व वाला, जो हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। हम सब लोग भारतवर्ष के नागरिक, ACCF टीम पूरे भारतवर्ष की जो है वो, और हम सब लोग, सभी लोग जो है आज उनको इस मौके पर यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को साहस दे, शक्ति दे, जो इस विषम कठिन परिस्थितियों में वो सहन कर सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे माननीय अन्य लोगों ने भी इस पर शोक संदेश उनको व्यक्त किया है, और वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, जो आज हमारे इस देश में एक स्तंभ के रूप में थे, नहीं हैं, मगर उनकी दी हुई बातें, उनकी दी हुई सीख, उनकी दी हुई कौशलता, कार्य करने की पद्धति से हमारे युवा वैज्ञानिक, आने वाले वैज्ञानिक भविष्य में उस इसका अच्छे से प्रयोग करके इस भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे, इस भारतवर्ष को ऊपर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी उनके प्रति एक नमन और श्रद्धांजलि है कि वो ऐसे ही हमारे देश के प्रति लोगों को, जो उन्होंने अपने लिटरेचर लिखे हैं, उनको ऊर्जावान करते रहें और आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, मेक इंडिया भारत का कार्य उनके इन कार्यशैलियों से, उनके इन दिए हुए शब्दों से, उनकी दी हुई बहुत सारी नॉलेजेबल जो टेक्निकल्स, जो पैरामीटर्स हैं, उसको देखकर, जानकर, पढ़कर हमारे वैज्ञानिक आज जो है भारतवर्ष को एक विश्व के ऊपर पटल पे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोग उनके किए हुए कार्य को उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि रावण के पास अपार शक्ति, अपार धन, अपार जो है महा बलवान था, जिससे कि उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो धराशायी हुआ और अपने घमंड और सब चीज़ उसका चूर चूर हुआ। वैसी तरह से देश में जिस तरह से यह घमंड, यह मिसाइल के जो है राकेट और बहुत सी आविष्कार करने के बाद इस यंत्र पर यदि घमंड करते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ा मूर्खता है, या दूसरे देश को रहने नहीं देना चाहते ऐसे जात